स्टार क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बुधवार को पूरे 20 सालों के बाद अपने पैतृक गांव ल्वाली पहुंचे। इस दौरान उनकी पत्नी साक्षी भी उनके साथ थी। ल्वाली उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में आता है और धोनी ने यहां पर मंदिर में पूजा अर्चना की है। इस दौरान उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए फैंस की जो भीड़ उमड़ी है, जरा एक बार तस्वीरें आप खुद देख लीजिए। देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की हर बात निराली है। उनके कूल हेयर स्टाइल हो या उनका कूल एटीट्यूड, स्पोर्ट्स बाइक के लिए उनका पैशन हो या क्रिकेट के लिए उनका जुनून की हद तक प्यार, सब कुछ हेडलाइंस बन जाता है। ऐसे में टीम इंडिया के माही जब अपने होम टाउन रांची छोड़कर 20 साल बाद उत्तराखंड में अपने पैतृक गाँव पहुँचे तो सुर्खियाँ तो बननी ही थी। धोनी का पैतृक गाँव ल्वाली अल्मोड़ा जिले में पड़ता है। बुधवार को माही पत्नी साक्षी के साथ पैतृक गांव पहुंचे तो लोग खुशी में झूम उठे। वो जनेऊ के अवसर पर आए थे, उनका जनेऊ हुआ था, उस अवसर पर आए हुए थे। तो उसके बाद उनकी क्रिकेटर बनने की कहानी कैसे रही? पहले उनको फुटबॉल में थे, फुटबॉल से क्या कॉलेज में कोई कीपर आया नहीं था, उसकी जगह है स्कूल वालों ने उनको भेज दिया, जब से उनकी शुरुआत हो गई। धोनी ने परिवार के साथ यहाँ गंगानाथ मंदिर, गोलू देवता, देवी माता और नरसिंह मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही बुजुर्गों से आशीर्वाद दिया और युवाओं बच्चों को क्रिकेट के टिप्स दिए। इस दौरान ग्रामीणों ने उनके साथ खूब सेल्फी भी ली। बहुत अच्छी तरह से किया, यहाँ आए थे, पूजा की, पाठ की, सब गांव वाले इकट्ठे थे, उनकी पूजा की, बहुत स्वागत किया, फिर पहुंचा के वो चले गए। किन किन मंदिरों में वो यहाँ पर को आए, पूजा अर्चना की उन्होंने? हाँ, वो मंदिरों में गए थे, गोलू देवता के मंदिर में पूजा की। हाँ, और क्या कहा उन्होंने आपसे? क्या कहा? कुछ नहीं कहा, मुलाकात हुई। 2003 के बाद 20 साल के बाद आज आए हैं और सब मंदिरों में इनने पूजा अर्चना की, हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे क्रिकेट के भगवान हमारे वहाँ पधारे हुए हैं, बहुत अच्छा लगा। हमारी भूख भी, नींद भी सब खो गई। अब परिवार के साथ धोनी ने करीब 2.5 घंटे गांव में बिताए। गांव में मिले सम्मान और दुलार से माही और साक्षी काफी खुश दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।